सो गाइस, आज मैं आप लोगों को लैक्मे बीबी क्रीम से ब्राइडल मेकअप बताऊंगी, जो इतना इजी वीजी सा स्टेप बाय स्टेप ए टू जेड जो बिगनर्स है जो मेकअप सीखना चाहते हैं उनके लिए। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इजी सा सिंपल सा करवा चौथ माई मेकअप लुक शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो मेकअप लुक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, बहुत इजी सा है, बहुत प्रिटी सा है। आप इस लुक को कहीं भी यानी कि पार्टी फंक्शन कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। काफी इजी तरीके से ये वाला मेकअप होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी, और जिन्हें मेकअप नहीं आता तो वो भी कर सकते हैं इस मेकअप को, क्योंकि आप सभी को पता है कि मेरा मेकअप जो होता है बहुत ही आसान और बहुत ही इजी होता है ना। तो चलो देखते हैं हमें सबसे पहले क्या लगाना। सबसे पहले आपको अपनी स्किन केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता है मेकअप। स्किन केयर तो आप वैसे भी करते हो, जब आप फेस को वॉश करके आते हो ठंडी में तो आपकी स्किन ड्राई लगती है ना, तो आप कहते हो लो कुछ लगा ले। तो वही होता है, जब भी मेकअप करो तो उससे पहले स्किन केयर करो, ताकि आपका जो मेकअप है थोड़ा और देर तक टिका रहे। कम प्रोडक्ट से, कम चीजों से, सस्ते प्रोडक्ट से भी आपका मेकअप बहुत देर तक टिकने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लगा लेना है कोई भी मॉइस्चराइजर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइजर, जो बजट में है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी क्वांटिटी में हम इसको लेके अप्लाई करेंगे, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके पूरे फेस पे आपको अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए, पूरे फेस पे अच्छे से हम अप्लाई करूंगे, ताकि हमारा जो बेस है वो बढ़िया से तैयार हो, हमारी स्किन अच्छे से हाइड्रेट हो जाए, और कुछ देर के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे हिमालय का ले रही हूँ, जो काफी प्योर एंड नेचुरल होता है, काफी अच्छा है। थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें लेना है, थोड़ा सा बस, ज्यादा नहीं। पूरे ही फेस पर अच्छे से लगाओ के इसको भी हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ताकि जी हाँ, ये भी हमारी स्किन में सेट हो जाए। क्या करूंगी अब, थोड़ा सा जाहिर सी बात है, ब्राइड हो और नई नवेली दुल्हन हो, तो थोड़ा सा आपके फेस पे ग्लो ग्लॉसी पन तो चाहिए चाहिए, है ना, हर किसी को चाहिए। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ सीव्स ब्यूटी का रियल मेकअप बेस, और ये हाईलाइटर और प्राइमर का भी काम करता है, मतलब एज अ हाईलाइटर भी करेगा और प्राइमर भी करेगा। तो इसको मैं पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। तो ये देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में आता है, थोड़ा सा हम लेंगे इतना, और अच्छे से ही पूरे फेस पे आपको लगा लेना है। ये देखिए, तो बस पूरे ही फेस पे अच्छे से लगा के कुछ देर के लिए हम छोड़ देंगे। तो जो मैं मेकअप करूंगी उसके लिए मैं ले रही हूँ क्या, 95 cc क्रीम ले रही हूँ, और एक गार्नियर की बीबी क्रीम, एक सीसी क्रीम और बीबी क्रीम, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करूंगी। और मेरा शेड है लैक्मे का आलमंड, ठीक है। तो बीबी क्रीम और सीसी क्रीम को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन दोनों को हम हमारे पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे डॉट डॉट करके। तो ये देखिए, एक ही बार में आपको अच्छे से लगाना, ठीक है। फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। डॉट डॉट करके अच्छे से रख रही हूँ एक बार में। आज मैं बस एक ही बार में इसको अप्लाई करूंगी। अब हमने डॉट डॉट करके अच्छे से रख लिया, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। जिसके लिए मैं यहाँ पे पहले लूंगी हुडा ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, पहले अच्छे से पूरे फेस पे स्प्रे करूंगी, ठीक है। ठीक है, मेकअप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, काफी देर तक टिका रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्रॉपर आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम ऐसे ही। और ये एक ही बार में ब्लेंड हो जाता है, थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा होगा, बट अभी इसका जो लुक आएगा बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल नेचुरल दिखेगा, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होगा। बीबी क्रीम है, सीसी क्रीम है, तो उतना ज्यादा कवरेज तो देगी नहीं। अब हम यहाँ पे पूरे फेस को सेट करने के लिए लेंगे कलर के उनका कॉम्पैक्ट, आप कोई भी ब्रांड का जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हो। आप एक ब्रश की हेल्प से अच्छे से सेट करूंगी, आप किसी से भी कर सकते हैं।
अच्छे से ही पूरे फेस को आपको सेट करना है। जरूरी होता है जब भी कोई मेकअप करे तो पूरे फेस को सेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको कभी आपको स्किप नहीं करना चाहिए। आप एडीएस की आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ अपनी आईब्रो को सेट करने के लिए, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ये 30 रुपए की सिर्फ मुझे लोकल मार्केट में मिली थी। आपने कभी दुल्हन मेकअप नहीं किया तो जितने भी प्रोडक्ट मैं यूज़ की हूँ इस प्रोडक्ट को यूज़ करके आप दुल्हन मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रही हूँ, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ट्राई कर सकते हो। जब भी किसी ब्राइड का मेकअप करो अगर ज़्यादा कवरेज नहीं दे रहे हो तो उसकी थ्रेडिंग जैसी है वैसे ही सेट करना, अलग से मत कीजिएगा। हम लैक्मे का काजल लेंगे और अच्छे से ही काजल को अप्लाई करेंगे। तो बस यहाँ पे हम फटाक से काजल लगाएंगे और जब भी काजल लगाओ ना तो हल्का सा नीचे की साइड में काजल को स्मच कर दो और ऊपर की साइड में डार्क कर दो। इससे आपकी आंखों का जो काजल का जो लुक आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। या हल्का सा ब्राउन शेड लेके आई पैलेट से स्मच कर दो। लेकिन अगर आपने कभी नहीं किया है तो ये जो ट्रिक मैंने बताई ये वाली ट्राई करना। यहाँ पे लगा रहे हैं स्केच लाइनर, काफी बजट में अफोर्डेबल भी है, काफी अच्छे से लग जाता है, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो बस फटाफट से मैं यहाँ पे लाइनर लगाऊंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे से ना एक मिस्टेक हो गई थी आई शेडो लगाना, फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैं बाद में आई शेडो लगाई हूँ। आप पहले ही लगा लेना फिर लाइनर लगाना। अभी मैं लगाने जा रही हूँ पर्पल की लिपस्टिक और शेड है मेरा 2, काफी अच्छी, इसका कलर बहुत प्यारा है। तो बस यहाँ पे हम डार्क शेड की लिपस्टिक लगा रहे हैं और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में न्यूड शेड है तो वो भी ट्राई कर सकती हो। लेकिन अगर क्लाइंट के ऊपर न्यूड शेड बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा तो ट्रेंड पे मत जाइएगा, आप उसके फेस पे जो कलर अच्छा लगे वो लगाइएगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लशर लगाऊंगी जिसके लिए मैं ले रही हूँ पर्पल की लिपस्टिक, शेड है मेरा 4, ये रेड शेड में है तो थोड़ा सा लेंगे हम बस हल्का हल्का सा डॉट डॉट करके अप्लाई करना। आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हो या फिर फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, बस जस्ट लाइटली इधर ऐसे। इसके बाद सेम हम वही लेंगे सीज ब्यूटी का हाइलाइटर मेकअप बेस और एज अ हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे, निकाल लिया हमने। इस तरीके से क्या करेंगे, ये मेकअप सेटिंग स्प्रे लेंगे और ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे करेंगे अच्छे से ही। तो बस हल्के हल्के से आग जैसे मैं कर रही हूँ हल्के हल्के से ही करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने बताया था ना मैं आई शेडो भूल गई थी। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आप ये मत सोचिएगा कि मैंने लाइनर लगा दिया तो दिक्कत होगी, नहीं। आपको क्या करना है, फटाक से आई शेडो फिंगर की हेल्प से अप्लाई करना है। पहले एक शेड ले लीजिएगा मैट शेड, उसके ऊपर जो भी शेड आपको लगाना हो शिमरी वो लगाइएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर फटाक से स्केच लाइनर नहीं लगाइएगा, जेल लाइनर लगा दीजिएगा। इससे लुक वाइज बहुत अच्छा आएगा, परेशान मत होइएगा। अच्छा थोड़ा सा मैंने विंग लाइनर ड्रॉ कर दिया, क्यों, क्योंकि फॉल्सेस मैंने बहुत बड़ी बड़ी सी लगाई हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। अगर छोटी फॉल्सेस लगाइएगा तो फिर आप वैसे ही रख सकते हो। तो कैसा लगा मेरा मेकअप बताइएगा ज़रूर, एक बार खुद के ऊपर ट्राई कीजिएगा। इतना आसान इतना इजी है कि आप खुद ही कहोगे कि सच में ये तो इतना आसान था, मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो ये ट्रिक ट्राई कीजिएगा जिस तरीके से मैंने सारी चीज़ें बताई हैं और जो जो चीज़ें मैंने आपको बीच बीच में बताई हैं वो ट्राई कीजिएगा। आजकल बहुत हैवी पे मत जाइएगा, जिसके फेस पे जैसी ज्वेलरी जैसा मेकअप अच्छा लग रहा वैसा ट्राई कीजिएगा, ट्रेंड पे बिल्कुल मत जाइएगा। अगर ट्रेंड पे जाएंगे और फेस पे उसके वो सूट नहीं कर रहा तो आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।